वहीं अजमेर जिले के केकड़ी सदर थाना क्षेत्र में जादू टोना कर वश में करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला ने अपने जेठ पर ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। थाने में पहुंचकर महिला ने बताया कि उसका जेठ आज से एक महीने पहले उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने इसका विरोध किया और चिल्लाने लगी तो वहां से भाग निकला और आरोपी जाते जाते जादू टोना से वश में कर दुष्कर्म करने की धमकी उसने दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर सदर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जीत राम की नई गाड़ी आ गई राजेश जी इंद्री तो क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं एक महीना पहली घर पे थी तो मेरे जेठ का नाम स्वराज है। वो आया दिन की 3 बजे तो उसने आकर बोला कि मेरा हाथ पकड़ के मुंडा भेज दिया, छेड़छाड़ करने लगा। तो उसने बोला कि मैं तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, गलत काम करूंगा। तो मैंने उससे छुड़ा छुड़ू के बाहर भागी तो मेरा बड़ा जेठ आ गया, उसे बुला के लाई तो वो भागता भागता निकलता मेरे को बोल के गया कि मैं तो जादू टोना करके जैसे भी करके तेरे को उसमें करूँगा। तो मैंने उसे बोलने के बाद में सब मेरे जेठ को बोल दिया तो वो भाग गया। तो मैं पर उसके एक 18 तारीख को मैंने बाहर निकली तो बाहर से वापस आई तो मेरे को चक्कर आने लगा। तो मैं मेरे बेटे जेठ को जेठानी को बुलाई और मेरे को शंका हुई, इसको समझाई भाई ये कर सकता है। तो हम सारे संभाले तो कुछ नहीं मिला, बाहर गए तो बाहर संभाले झोंपड़ी से तो खुदी हुई मिट्टी मिली। खुदी हुई मिट्टी को हमने खोद के देखा तो उसके अंदर हमें कामी लगी हुई जादू टोना आड़ गया ऐसे मिली। अहमद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इकबाल, बड़ा ही अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है, जादू टोने के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपने क्या कुछ पाया जब आप फील्ड पर गए और आपने पूछा, क्या कुछ कहना है इस महिला का और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कह रही है? महिला ने आरोप लगाया इसके खुद के जेठ पे जी, जिसमें उसने बताया, रिपोर्ट देकर भी बताया और खुद बाइट देकर भी इसने बताई थी कि उसका जेठ उसके साथ में दुष्कर्म करने की प्रयास करता था, छेड़छाड़ करता था। ऐसा मामला उसने पहले भी किया था, जिस उस पर जब छेड़छाड़ की तो उसने वो चिल्लाई कुछ ऐसी, तो उसका गेट भी दौड़कर आया तो वो आरोपी भग गया था। जो इसका जो गेट था, जो जो इससे गंदी हरकतें कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था, वो भग गया था। तो इसने लाज लज्जा के चलते इसने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था, ये थाने में नहीं आई थी। लेकिन जब इसे लगा के ये जो जादू टोना जो से कुछ करी किया होगा तो इसे अचानक इसे चक्कर आने लग गए, तो चक्कर आने के साथ में इसे लगा कि जो जादू टोने की जो बात कर रहा था तो ये जादू टोने का असर हो सकता है सही हो। तो इसने फिर मकान के आसपास की खुदाई की और देखा वहां पर मिट्टी खुदी हुई दिखी, तो उसने जो वहां की खुदाई की तो उसमें आलपिने हड्डियां इस तरह के और कामी सिंदूर इस तरह के लगे हुए वो मिले थे। तो फिर ये सब होने के बाद में ये थाने आई और थाने आकर इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस जांच में जुटी हुई है जी। इस मामले में परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या महिला का पति कुछ महिला के पति की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? नहीं, महिला के पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इसमें, ये महिला ही आई है थाने में, महिला ने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वही पुलिस की जो जांच है उसमें अब तक क्या कुछ पता चला है? क्या जिस शख्स पर आरोप लगाए गए उसकी गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? मामला भी 2 घंटे पहले ही दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है जी। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।